मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है? कॉन्फिडेंस की कमी यानी कि आप अपने आप को सोशल सिचुएशन में आप फ्री महसूस नहीं कर पाते, किसी से बात करते समय धक धक होने लगता है। तो क्या आपको पता है इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, उसका नाम है योगा। जी हाँ, योगा। योगा को आजकल के लोग ऐसा समझते हैं कि वो सिर्फ बड़े बुजुर्गों के लिए बनी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। योगा सभी उम्र के व्यक्ति के लिए फायदेमंद ही होती है। योगा करने वाले व्यक्ति के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही जाता है। उसके प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही कारण होता है, उसके मन की शांति। जो व्यक्ति योगा करता है उसका मन किसी भी सिचुएशन में शांत ही रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी बड़ी खुशी क्यों ना आ जाए, उसका मन बैलेंस रहता है। और एक बात, ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और उसकी कल एग्जाम है, और वो पढ़ाई करने के बदले से यही स्ट्रेस लेता रहेगा कि उसकी कल एग्जाम है, वो क्या लिखेगा, तो ना ही वो पढ़ पाएगा और ना ही वो खुश रह पाएगा। मतलब उसका पूरा दिन स्ट्रेस में ही चला जाता है, और अगले दिन जब वो एग्जाम देके आता है तब भी वो स्ट्रेस में ही रहता है। जी हाँ, स्ट्रेस। स्ट्रेस ही एक ऐसी चीज है जो हमें खुश नहीं रहने देता। और दूसरी बात, क्या आपको पता है कोई भी व्यक्ति नशा क्यों करता है? तो सुनिए आज इसका जवाब। कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ही नशा करता है। अभी स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में है ही, तो क्या सभी लोग नशा थोड़ी ना करेंगे? वो तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ, वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस को कम कर सकता है, लेकिन आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि नशा किए बिना ही हमारा मन शांत रहे। तो उसका भी एक ही सॉल्यूशन है, वो है योगा, योगा, योगा। अब बात आती है कि योगा काम कैसे करता है। तो सुनिए, योगा करते समय व्यक्ति अपने आप को ऐसे पोज में रखता है ताकि उसके शरीर पर स्ट्रेस पड़े, और वो साथ ही साथ डीप ब्रीथिंग करता है। वो डीप ब्रीथिंग से अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करता है, यानी कि वो अपने दिमाग को सिखाता है कि उसके ऊपर कितना ही बड़ा स्ट्रेस क्यों ना आ जाए, वो उस स्ट्रेस में शांत ही रहे। और आपने 21 दिन के नियम के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो सुन लो। आप किसी भी हैबिट को 21 दिन तक अपनाते हो तो आपकी हैबिट नहीं रहती, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं 21 दिन तक योगा करने की ही बात कर रहा हूँ। एक बार योगा आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सफलता प्राप्त करने का सिर्फ एक ही कारण, वो है मन की शांति, किसी भी सिचुएशन में अपने मन को शांत रखना। कोई भी सफल व्यक्ति ऐसे ही सफल नहीं बन जाता, उसके ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतें आती है, लेकिन वो उस मुसीबत में शांत रहकर शांत मन से सोचता है कि उस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए, ना कि वो स्ट्रेस लेता है। यानी कि इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आप कल से योगा चालू कर दो। योगा के इतने सारे फायदे सुनने के बाद कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो योगा नहीं करना चाहता। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए।